जिंदगी क्या है तू? गांव में इंसान दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है, कहीं दुश्मनी के नाम पर, कहीं सरहदों के नाम पर एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। क्या ये जीवन जीने की वजह है? मौली, मुझे जीने का मकसद मिल गया। मौली, तो आज भी नहीं टूटेगा अन्ना का अनशन। 11 दिन से बिना कुछ खाए अन्ना जी अनशन पर है। पिछले 42 सालों से ये नेता लोग लोकपाल पर चर्चा कर रहे ना, और कितनी चर्चा करेंगे? इस 74 बरस के बूढ़े में क्या खासियत है कि देश के हर कोने से सब लोग यहाँ इस सड़क पर उतर आए? सर, आई थिंक वी शुड नो मोर अबाउट अन्ना। ओके, गो अहेड। आज से हमारे देश में हमारा बनाया हुआ संविधान लागू हुआ है। अब जनता मालिक हुई है। देश के लिए लड़ने का मौका नसीब वालों को मिलता है। अगर हम गांव वाले मेहनत करके इस बारिश के पानी को रोक पाए तो हम गांव वालों की जिंदगी को खुशहाल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो सरकारी काम है, हम क्यों करें? कि अब वक्त आ गया है कि हम एक निर्णय लें। किसान बहुत तकलीफ में है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। महात्मा गांधी समझते हो गए अपने आप को? अनशन पे बैठोगे? अगर देश का विकास करना हो तो पहले गांव का विकास करना होगा। हम अपने लिए जी नहीं पा रहे हैं और ये दूसरों के लिए मरने को तैयार है। मर गया परवाह नहीं, अरे हार्ट अटैक आके मरने से अच्छा देश के भले के लिए मरना।